निकिता हत्याकांड को लेकर बल्लभगढ़ के दशहरा ग्राउंड में रविवार को महापंचायत का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे के बाद पुलिस ने 28 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन सभी की स्वास्थ्य व कोविड जांच के दौरान 3 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। ये लोकसभा के अंदर लगातार घूमते रहे और यहाँ कोविड-19 के नियमों का पालन भी नहीं किया गया। ऐसे में महापंचायत में शामिल सभी लोगों को अगले 10 दिन तक होम क्वारंटाइन होने की एडवाइजरी जारी की गई है। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि इतनी गंभीर स्थिति होने के बावजूद कुछ लोगों ने रविवार को बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में महापंचायत का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि महापंचायत के दौरान कुछ लोगों ने हंगामा किया और हाईवे जाम करने की कोशिश भी की। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार किए गए 28 लोगों की जब कोविड-19 जांच कराई गई तो इनमें से 3 लोग कोविड-19 से बुरी तरह से संक्रमित मिले। ये लोग लगातार कार्यक्रम में मंच पर लोगों के बीच घूमते रहे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान लोगों ने कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार मास्क और सामाजिक दूरी का भी प्रयोग नहीं किया। इससे गंभीरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे महापंचायत में शामिल अन्य सभी लोगों के भी कोविड पॉजिटिव होने की संभावना है। इसी को देखते हुए सिविल सर्जन फरीदाबाद ने सभा में शामिल सभी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में सभी लोगों को 10 दिन तक होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई है ताकि इस महामारी के फैलाव को रोका जा सके।